हाँ, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज योर SST क्लास फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस योर थर्ड लेसन, नेम इज फूड। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल यू आर टायर्ड एंड हंग्री। जब आप स्कूल से वापस आते हैं तो आप भूखे और थके होते हैं। व्हाट डू यू डू देन, और तब आप क्या करते हैं। यू वॉश योर हैंड्स एंड ईट योर फूड। आप अपना हाथ धोते हैं और अपना भोजन करते हैं, ठीक है। वी ऑल ईट फूड टू लिव। हम सभी जीने के लिए भोजन करते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। और यह हमें खेलने और काम करने के लिए ऊर्जा देता है या शक्ति देता है। एंड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और यह हमारी वृद्धि और विकास या मजबूती हमारी वृद्धि विकास और मजबूत बनाने में सहायता करता है। एवरी डे वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हर दिन या प्रत्येक दिन हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डज फूड कम फ्रॉम, यानी भोजन हमें कहाँ से मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ एनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम भोजन दोनों जानवरों और पौधों से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आर आवर मेन सोर्स ऑफ फूड। पौधे हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, किसके, हमारे भोजन के, ठीक है। वी गेट सीरियल्स पल्सेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, दालें, सीरियल्स प्राप्त करते हैं। वी also get oil, tea, coffee, sugar from plants। हम पौधों से sugar यानी कि चीनी, coffee, चाय और तेल भी प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, है ना। ये फूड के फोटोग्राफ्स हैं। ये फ्रूट्स, इसमें कौन कौन से फल हैं देखिए। वेजिटेबल्स है, एग्स एंड मिल्क है, सीरियल्स एंड ग्रेन्स है, नट्स एंड ऑयल्स है, ये है बटर एंड चीज़, एंड लास्ट मीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट। जानवरों से हमें मांस और मछली, अंडे और दूध प्राप्त होता है या देते हैं। वी मेक प्रोडक्ट लाइक चीज, बटर, घी एंड कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम कुछ पदार्थ दूध से बनाते हैं, जैसे चीज हो गया यानी पनीर, बटर, मक्खन, घी और दही। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम दूध से बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स। हम इन्हें डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं या मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ कुछ मिल्क प्रोडक्ट हैं या डेयरी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। कर्ड है, देखो इसमें दही रखी हुई है, ये देखो बटर है और ये घी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नो मोर। डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन कैल्शियम। तो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है ना, अधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। और कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है। स्पिनेच इज अल्सो रिच इन कैल्शियम। तो स्पिनेच, जिसे हम पालक भी कहते हैं, इसमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम दिन के अलग अलग समय में
दिन के अलग अलग समय में अलग प्रकार के भोजन करते हैं। वी यूजुअली टेक 3 मील्स अ डे। हम प्रायः दिन में 3 बार भोजन करते हैं। एक दिन में 3 बार भोजन लेते हैं या करते हैं। कौन? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। द मॉर्निंग मील इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है, जो सुबह का जो भोजन होता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। वी टेक मिल्क, ब्रेड विद बटर और जैम एंड एग्स इटीसी इन ब्रेकफास्ट। तो हम क्या लेते हैं? दूध के साथ। वी टेक मिल्क, ब्रेड, हम दूध और ब्रेड किसके साथ लेते हैं? बटर के साथ या जैम या एग लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है? ब्रेकफास्ट होता है। आगे क्या है? द आफ्टरनून मील इज कॉल्ड लंच एंड द इवनिंग मील इज कॉल्ड डिनर। तो ठीक है, दोपहर के भोजन को हम लंच कहते हैं और शाम के भोजन को डिनर। ठीक है, इन लंच एंड डिनर वी टेक चपाती, राइस, पल्स एंड वेजिटेबल्स। और इस तरह हम लंच और डिनर में हम रोटी, चावल, दालें और सब्जियां लेते हैं। नेक्स्ट लाइन इज सम पीपल ईट मीट और फिश। कुछ लोग फिश या मीट यानी कि मांस और मछली खाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। मांसाहारी या सर्वाहारी कह सकते हैं। तो ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मांसाहार लेते हैं। द पीपल हु डोंट ईट मीट एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। और वे लोग जो फिश या जो मछली या मांस नहीं लेते या नहीं खाते उन्हें वेजिटेरियंस या शाकाहारी कहते हैं। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ डे। हमें एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास वाटर यानी कि जल या पानी लेना चाहिए। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। वी शुड ईट गुड एंड क्लीन फूड। हमें साफ और स्वस्थ अच्छा भोजन लेना चाहिए या खाना चाहिए। बिसाइड्स फूड, खाने के अतिरिक्त या खाने के अलावा वी शुड ऑल्सो ड्रिंक एनफ वाटर। खाने के अलावा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। वी शुड हैव एट लीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें हर दिन प्रत्येक दिन कम से कम 2 glass दूध दूध लेना चाहिए। मिल्क इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। दूध हमारी हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा है। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज घी, ऑयल, बटर एंड चीज गिव अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने उत्पाद जैसे कि घी, तेल, मक्खन और चीज़ हमें एनर्जी देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं ताकि हम खेल और काम कर सकें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प अस फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। पौधे और सब्जियां हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, और हमें बीमार पड़ने से
रोकते हैं। फिश एग्स मीट एंड नट्स बिल्ड आवर मसल्स एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग। और इस तरह मछलियाँ अंडे मीट और नट्स जिसे अखरोट कहते हैं ये हमारी मसल्स को मजबूत बनाते हैं। समटाइम्स वी ईट फूड मोर फॉर टेस्ट देन हेल्थ। कभी कभी हम टेस्ट के लिए ज़्यादा खा लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो मैं इस लाइन को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। समटाइम्स वी ईट फूड मोर फॉर टेस्ट देन हेल्थ। तो कभी कभी हम स्वास्थ्य को ध्यान में न रखकर स्वाद के लिए ज़्यादा खा लेते हैं। सच फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। और ऐसे फूड को हम जंक फूड कहते हैं। ईटिंग टू मच जंक फूड कैन मेक अस सिक। और बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हियर इज सम फोटोग्राफ्स ऑफ जंक फूड, चिप्स बर्गर, दीज आर ऑल जंक फूड्स। ये देखो नूडल्स भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है, पिज्ज़ा भी है। सो रेस्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।